हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रेवल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओमान की एंट्री के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, ओमान गवर्नमेंट ने एंट्री ओपन कर दी है सबके लिए। उसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। अगर आप डायरेक्टली ओमान में आना चाहते हैं तो सुप्रीम कमेटी के अजलास में जो अनाउंसमेंट हुई है, कुछ रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। और कौन सी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो बात करेंगे रिक्वायरमेंट की, कि कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने के बाद आप ओमान में एंट्री ले सकते हैं। सो कौन कौन से लोग एंट्री ले सकते हैं जी? इसके मुताबिक वैलिड ओमान का रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए आपके पास। दूसरा, वो लोग जिनका वीजा ऑन अराइवल है, और इनको क्या करना होगा, फुल वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा और दो डोज लेनी होगी जो ओमान में अप्रूव्ड हैं, और सेकेंड डोज लिए हुए 14 दिन से ज्यादा गुजर चुके होने चाहिए। इसके बाद आपको एक ऐप है तरासूद के नाम से, तरासूद प्लस के नाम से, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल में, और ऑनलाइन आपने 25 रियाल पे करने हैं जो आपके PCR टेस्ट और ब्रेसलेट की फीस है। इसके बाद आपने PCR टेस्ट करवाना है पाकिस्तान से या बांग्लादेश या जिधर से आप ट्रेवल कर रहे हैं 72 आवर बिफोर अराइवल। जब आप ओमान में एंट्री करेंगे तो ओमान में आपका PCR टेस्ट होगा जो आपने फीस पे की थी, और PCR टेस्ट करने के साथ वो आपको ब्रेसलेट पहना देंगे और एक दिन के लिए क्वारंटीन करने के लिए आपको कहेंगे। सो आपने वेट करना है जब तक आपका रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आ जाता। अगर तो आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपने किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपनी ब्रेसलेट कटवा लेनी है, और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 10 दिन और क्वारंटीन करना होगा, और 10 दिन के बाद अगर नेगेटिव आता है तो आप भी सेम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपनी ब्रेसलेट कटवा लीजिएगा। और बात करेंगे जिन लोगों के 180 डेज से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है, उनको ओमान में एंट्री नहीं मिली अभी तक। सुप्रीम कमेटी की तरफ से इसके बारे में कुछ तफसील नहीं बताई गई। थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है और कौन कौन से लोग एंट्री ले सकते हैं, विजिट वीज़ा ओपन होगा या नहीं होगा, टूरिस्ट वीज़ा ओपन होगा या नहीं होगा, वर्क वीज़ा ओपन होगा या नहीं होगा, उसकी पूरी तफसील आपको थर्सडे को मिलेगी। सो आपको थर्सडे तक वेट करना होगा। पूरी तफसील के लिए आप हमारे चैनल के जरिए से भी उसको फॉलो कर सकते हैं, या ओमान के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस यही था। इसी तरह मजीद अपडेट और वीज़े की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।